आप देख सकते हैं कि इस कैजुअल के अंदर कंज्यूमर के पास इनकम आईए है, यूटिलिटी फंक्शन इसका यूए इज इक्वल्स टू या इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ए कॉमा वाई ए है, और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है जो कि सेम है, और वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या जी, के कोई भी नंबर है। जब तक इनकम आई ए रहेगी यूटिलिटी फंक्शन यू ए रहेगा, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के ए रहेगी। इस इनकम फॉर एग्जाम्पल 10,000 में हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी है कि हम चाहे तो 1x और 16y का कॉम्बिनेशन परचेज कर सकते हैं, चाहे तो 2x और 12y का कॉम्बिनेशन परचेज कर सकते हैं, चाहे तो 3x और 9y का कॉम्बिनेशन परचेज कर सकते हैं, चाहे तो 4x और 7y का कॉम्बिनेशन, जबकि चाहे तो 5x और 6y का कॉम्बिनेशन परचेज कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि इनकम आईए में पहली पॉसिबिलिटी है कि हम चाहें तो 1x और 16y परचेज कर लें, चाहें तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है जी, चाहें तो 2x और 12y परचेज कर लें, या चाहें तो 3x और 9y परचेज कर लें, चाहे तो 4y और 4x और 7y परचेज कर ले, या चाहे तो 5x और 6y परचेज कर ले। तो ये हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है जो हम इस इनकम 10,000 के अंदर अवेल करने की पोजीशन रखते हैं। ठीक होगी बात। इस इनकम में हम ये पांच डिफरेंट कॉम्बिनेशंस परचेज करने की एबिलिटी रखते हैं। एक वक्त में हम एक ही कॉम्बिनेशन बाय करेंगे, यानी इस इनकम में हम पांचों कॉम्बिनेशन परचेज नहीं कर सकते एक वक्त में। इनमें से एक वक्त में एक कॉम्बिनेशन परचेज होना है, चाहे तो वो 1x 16y का हो सकता है, चाहे 2x 12y का हो सकता है, चाहे तो 3x 9y का हो सकता है, चाहे तो 4x और 7y, जबकि पांचवी पॉसिबिलिटी है 5x और 6y। इनमें से एक वक्त में एक ही कॉम्बिनेशन हम अवेल करने की एबिलिटी रखते हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं, एक मिनट से, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का एक और नाम है जी, जिसको हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बेसिकली इंडिफरेंस कर्व के बिहेवियर के बारे में हमें गाइड करेगी कि उसका बिहेवियर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी उसकी टेंडेंसी के बारे में बताएगी कि ये मुसलसल गिरती है या बढ़ती है। अच्छा, अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बेसिकली क्या है? रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में आने वाली चेंज, आगे लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स फॉर वाई, इसका मतलब है हम, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वी विल बी गेनिंग एक्स, एंड फॉर वाई का मतलब है वी आर सैक्रिफाइसिंग यूनिट्स ऑफ वाई टू गेट द यूनिट्स ऑफ एक्स। और इसको लिखा कैसे जाता है जी, एम आर एस ऑफ एक्स फॉर वाई, इसका फॉर्मूला है जी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यानी द रेशियो ऑफ चेंज इन यूनिट्स ऑफ वाई टू द चेंज इन यूनिट्स ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। ठीक है, जिसकी कॉस्ट होगी वो न्यूमिनेटर में उसकी चेंज होगी, और जो गेन कर रहे होंगे वो डिनोमिनेटर में होगा। तो इसकी अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की, तो आप क्या बताएंगे? द रेशियो ऑफ चेंज इन यूनिट्स ऑफ गुड वाई टू द चेंज इन यूनिट्स ऑफ गुड एक्स इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स
और गुड बाय, ठीक होगी बात। यानी इसको लिखेंगे कैसे, एम आर एस ऑफ एक्स फॉर वाई, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी। फॉर्मूला इसका मैंने टॉप पे मेंशन कर दिया। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास डेफिनेशन इसकी, एक डेफिनेशन सही है, बाकी तो इसकी काफी डेफिनेशन है। तो पहली डेफिनेशन ये आपके पास आ जाएगी, द रेशियो ऑफ चेंज इन यूनिट्स ऑफ गुड वाई टू द चेंज इन यूनिट्स ऑफ गुड एक्स इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स फॉर गुड वाई। अच्छा जी, अब फॉर्मूला इसका क्या मैंने बताया, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई क्या है जी, कॉम्बिनेशन बी पर अगर फर्ज करें हम जाते हैं तो वहां पर करंट यूनिट्स कितने हैं वाई के, 12, और प्रीवियस कितने थे जी, 16। डेल्टा वाई क्या हो गया जी, करंट माइनस प्रीवियस, 12 माइनस 16 डिवाइडेड बाय आगे क्या है जी आपके पास, आगे क्या जी डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या जी 2 माइनस 1। तो अब आप देख सकते हैं आपने क्या किया, 12 माइनस 16 का आंसर आपके पास क्या आ गया जी, -4। जबकि 2 माइनस 1 का मतलब क्या आ गया जी, +1, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो आप इसका मतलब क्या है, 4 यूनिट्स ऑफ वाई सैक्रीफाइस कर रहे हैं, -4 का मतलब क्या जी, 4 यूनिट्स ऑफ वाई सैक्रीफाइस कर रहे हैं, +1 का मतलब क्या है, टू ऑब्टेन 1 यूनिट ऑफ एक्स, और आपका आंसर क्या आ गया जी, -4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपने एक एक्स गेन करने के लिए कितने यूनिट्स वाई के सैक्रीफाइस कर दिए जी, 4। फिर आप क्या करेंगे जी, फिर आप देख सकते हैं आप 3 यूनिट्स वाई के सैक्रीफाइस करके 1 यूनिट एक्स का गेन कर रहे हैं, -3 शोज दैट वी आर लीविंग 3 यूनिट्स ऑफ वाई, और +1 इज शोइंग दैट वी आर गेटिंग 1 यूनिट ऑफ एक्स। तो हम बेसिकली 3 यूनिट्स वाई के सैक्रिफाइस करके 1 यूनिट एक्स का गेन कर रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं जी, हम 2 यूनिट्स वाई के सैक्रिफाइस करके 1 यूनिट एक्स का गेन कर रहे हैं, और फिर आप देख सकते हैं जनाबे वाला कि हम 1 यूनिट एक्स का वाई का सैक्रिफाइस करके 1 एक्स का यूनिट गेन कर रहे हैं। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है जी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि हमारे आंसर्स जो है वो क्या आ रहे हैं जी, -4, फिर -3, फिर -2, और फिर -1। तो आप देख रहे हैं कि हर अगला x का यूनिट गेन करने के लिए पहले हम 4 यूनिट्स y के सैक्रिफाइस करते थे, फिर 3 यूनिट्स y के सैक्रिफाइस करते थे, फिर 2 यूनिट्स y के सैक्रिफाइस करते हैं, और फिर 1 यूनिट वाई का सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इसको हम अगर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में लेकर जाएं, तो रेट का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जिस पर एक ने, यानी असल में वैल्यू ही दरहकीकत है न्यूमेरिक नंबर, ठीक है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू रेट का मतलब। तो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का रेट बात, सब्स्टिट्यूशन के रेट की बात हो रही है, तो सब्स्टिट्यूशन को उर्दू में मुबादला या अंग्रेजी में एक्सचेंज इसका सिनोनिम है। तो एक और अंडरस्टैंडिंग इसकी क्या है कि एक ऐसा रेट जिस पे हमने एक प्रोडक्ट को किसी दूसरी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देना है, चेंज कर देना है। तो इनिशियली आप देखें -4y का मतलब क्या है कि हम 4y सैक्रिफाइस करके वी आर गेटिंग 1 यूनिट ऑफ x, ठीक होगी बात। फिर हम क्या बता रहे हैं कि हमने
यूनिट्स ऑफ वाई सैक्रिफाइस करके 1 यूनिट ऑफ एक्स गेन कर लिया। फिर हम क्या बता रहे हैं जी, 2 यूनिट्स ऑफ वाई सैक्रिफाइस करके 1 यूनिट ऑफ एक्स गेन कर लिया। फिर हम बता रहे हैं जी, 1 यूनिट ऑफ वाई सैक्रिफाइस करके 1 यूनिट ऑफ एक्स हमने गेन कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि रेट रेट क्या है जी, 4 बाय नेगेटिव, यानी 4 नेगेटिव का मतलब है सैक्रिफाइस करना, 4y for 1x, x प्लस साइन मतलब है ये गेन कर रहे हो और माइनस साइन का मतलब है ये सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो रेट इज 4 बाय रेशो 1x। तो y के साथ नेगेटिव साइन शो कर रहा है y की कॉस्ट है, और जिसके साथ पॉजिटिव साइन है इट शोज समथिंग दैट वी आर गेटिंग। पहले रेट था जी 4y रेशो 1x, बाद में रेशो है जी 3y रेशो 1x, फिर 2y रेशो 1x, फिर 1y रेशो 1x। तो ये रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। पहले है सब्स्टिट्यूशन का रेट -4y + 1x, बाद में रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है -3y + 1x, बाद में रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है -2y + 1x, बाद फिर लास्ट कॉम्बिनेशन पर रेट ऑफ एक्सचेंज है या रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है -1y + 1x। तो मीनिंग दैट ईच टाइम इफ वी लुक एट द कॉलम ऑफ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, और इट इज डिक्रीजिंग इन एब्सोल्यूट टर्म्स कॉन्टिन्यूअसली। यानी पहले वैल्यू, यानी फर्ज करें 4y ज्यादा से ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस किए, बाद में उससे कम यानी 3y सेक्रीफाइस किए, फिर उससे कम 2y सेक्रीफाइस किए, फिर उससे कम 1y सेक्रीफाइस किए, 1 यूनिट ऑफ x का हर दफा गेन करने के लिए। ठीक होगी बात? तो ईच टाइम इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ x वी आर सेक्रीफाइसिंग 4 यूनिट्स ऑफ y इनिशियली, देन 3 यूनिट्स ऑफ y, देन 2 यूनिट्स ऑफ y, एंड इन द एंड 1 यूनिट ऑफ y। ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस फॉल इन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक होगी बात? तो चूंकि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मुसलसल चेंज हो रहा है, यानी सेम नहीं रह रहा, तो इसीलिए इसको जो चेंज हो रहा है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इस चेंजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं। आगे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, किसकी जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ MRS। तो पहले -4 -3 -2 -1 थी, तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि जितनी नेगेटिव वैल्यूज है उन सबको पॉजिटिव कर दो। तो -4 को +4 करके लिख दिया, ठीक है जी। इसी तरह +3 +2 +1, तो ये आ गए जी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूज। ये प्लस का साइन लिखने की जरूरत बाय द वे होती नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है कि जी ये नेगेटिव तमाम नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ठीक होगी बात? अच्छा, अब स्केजुअल की जरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करें। सर जितने रेज हैंड्स हैं इनको मैं थोड़ी देर बाद आंसर करता हूँ आपकी क्यूरीज को, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, लेट मी कंप्लीट माय आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, और वंस आई विल बी फिनिश्ड आई विल बी टेकिंग अप योर क्वेश्चंस एंड आई विल बी रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। लेट मी कंप्लीट माय आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, ठीक है? अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हैं कि अब मैं इस कैजुअल को जरा रीइंटरप्रेट करता हूँ कि कंज्यूमर हैज एन इनकम, फिक्स्ड इनकम लाइक 10,000, he is availing utility function u a is a function of x a and y a, however the level of satisfaction is k a, right? Within this income a consumer can buy combination a or combination b or combination c or d or e, right? A consumer has 5 possibilities in the form of combination a b c d or e to buy units of two goods like x and y, ठीक है? तो इसके बाद a consumer has also a possibility to exchange units of y for unit of x, ठीक है? That will provide us rate of substitution, and if rate of substitution is changing, then it will be called as marginal rate of substitution, and we know that marginal rate of substitution is also called as slope of indifference curve. अच्छा, अब इसको डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व, अगर मैं कॉम्बिनेशन ए को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करूं तो मेरे पास एक पॉइंट बनता है पॉइंट ए,
और उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग गुड एक्स प्लॉट होगी, वर्टिकल एक्सिस पर गुड वाई प्लॉट होगी। तो एक्स का जहां यूनिट 1 होगा वहां वाई के यूनिट्स होंगे 16, 1 और 16 का पॉइंट बन रहा होगा पॉइंट ए। ठीक होगी बात ग्राफ पेपर के ऊपर। इसी तरह अलोंग दी एक्स एक्सिस गुड एक्स है, और जब एक्स के 2 यूनिट्स होंगे तो वहां वाई के 12 यूनिट्स हो जाएंगे और पॉइंट बन जाएगा पॉइंट बी। इसी तरह हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर गुड एक्स है, और जहां पर एक्स के 3 यूनिट्स होंगे वहां वाई के 9 यूनिट्स होंगे, तो 3 और 9 का पॉइंट मिलके बनेगा पॉइंट नंबर सी। इसी तरह एक्स के 4 यूनिट्स और वाई के 7 यूनिट्स का पॉइंट बन रहा है ग्राफ के ऊपर पॉइंट डी। ठीक है, एक अब आप देख रहे हैं मुसलसल एक्स के यूनिट्स बढ़ रहे हैं और वाई के यूनिट्स कम हो रहे हैं। तो एक्स के यूनिट्स 4 है, वाई के 7 है, पॉइंट बन गया डी। इसी तरह एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब एक्स के 5वें यूनिट पर जाएंगे तो 5वें पॉइंट को वहां 5x को मिलाना है आपने 6y के साथ, तो पॉइंट बनेगा ई। तो अब आपके पास 5 पॉइंट्स बन गए उस ग्राफ के ऊपर, ए बी सी डी और ई। इन 5ों पॉइंट्स को जब कनेक्ट करोगे तो एक कर्व बन जाएगा, उस कर्व का नाम होगा इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस का वर्ड जो है इसके साथ इसलिए लगाया जाता है कि कंज्यूमर एक्स और वाई परचेज करते वक्त न्यूट्रल रहा, यानी न्यूट्रल इस तरह रहा कि कंज्यूमर ने अपनी प्रेफरेंस उस प्रोडक्ट के लिए शो की जिसको वो ज्यादा बाय करना चाहता है, और डिसप्रेफरेंस उसके लिए शो की जिसके उसने कम यूनिट्स बाय किए। और न्यूट्रल इस तरह रहा कि कंज्यूमर ने अपनी इनकम से अपनी लाइकिंग के होते हुए ये नहीं किया, या अपनी डिसलाइकिंग के होते हुए ये नहीं किया कि जिसको डिसलाइक किया उसके 0 यूनिट्स बाय कर लिए। सो कंज्यूमर न्यूट्रल इस कॉन्टेक्स्ट में रहा कि कंज्यूमर ने उस प्रोडक्ट जिसको उसने डिसलाइक किया इवन उसका कोई ना कोई यूनिट उसने बाय किया है। अच्छा, अब इनडिफरेंस कर्व ये हमारे पास आ गया, यानी वो 5 पॉइंट्स को कनेक्ट करके कर्व आया, उस कर्व को इनडिफरेंस कर्व कहा। ठीक होगी बात। तो ये इनडिफरेंस कर्व पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर की सेम है। वो क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर के पास इनकम क्या है जी, आई ए। आई ए कितनी इनकम है जी, 10,000। 10,000 में आप ये 5 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बाय कर सकते हैं। अच्छा, जब तक इनकम चेंज नहीं ना होनी तब तक यूटिलिटी फंक्शन चेंज नहीं होना, और जब तक यूटिलिटी फंक्शन चेंज नहीं होना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं होनी। ठीक होगी बात। तो कंज्यूमर इस तरीके से लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम एंजॉय करता है क्योंकि बैक एंड पर कंज्यूमर की इनकम फिक्स्ड है। ठीक होगी बात। इसी वजह से कंज्यूमर का यूटिलिटी फंक्शन भी चेंज नहीं हो रहा। अब मैं डेफिनेशन आपके लिए जरा दोबारा पढ़ दूं। इनडिफरेंस कर्व है जी फर्स्ट रूल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इट इज अ कर्व। पहला पॉइंट क्या बताया जी, कर्व है। किसका कर्व है जी, विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। मैंने आपको कहा एक्स और वाई के डिफरेंट पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ए बी सी डी और ई। ये डिफरेंट पॉइंट्स जो है बेसिकली डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, किसके, एक्स और वाई के। एक्स का 1 यूनिट वाई के 16, एक्स के 2 यूनिट्स वाई के 12, एक्स के 3 वाई के 9, एक्स के 4 वाई के 7, एक्स के 5 और वाई के 6 यूनिट्स। तो डिफरेंट यूनिट्स आ गए एक्स और वाई के, और हर यूनिट्स के कुछ जहां मिल रहे हैं वहां एक कॉम्बिनेशन यानी एक पॉइंट बन रहा है एक्स और वाई का। उन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट किया तो एक कर्व बन गया। अच्छा, ये पॉइंट्स आएंगे कैसे आएंगे, ये पॉइंट्स हैं क्या, विच अ कंज्यूमर वांट्स टू बाय। ये कंज्यूमर के इंटेंशन के बारे में है कि कंज्यूमर इन पॉइंट्स को बाय करना चाहता है विद हिज फिक्स्ड इनकम। तो कंज्यूमर के पास फिक्स्ड मनी इनकम है एट विच ही एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो चूंकि इनकम फिक्स्ड है लिहाजा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी फिक्स्ड है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं होगी उस वक्त तक जब तक इनकम चेंज नहीं होगी। अच्छा, फ्रॉम द वर्ड इनडिफरेंस वी मीन दैट कंज्यूमर विल रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द परचेज ऑफ बोथ गुड्स। न्यूट्रल का मतलब मैंने समझा दिया कि कंज्यूमर जिसको प्रेफर ज्यादा करेगा उसके ज्यादा यूनिट्स बाय करेगा, और जिसको डिसप्रेफर करेगा उसके कम यूनिट्स बाय करेगा। न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर न्यूट्रल रहते हुए कम अज कम जिस प्रोडक्ट को डिसप्रेफर कर रहा है उसका 1 यूनिट जरूर बाय करेगा। अगर वो न्यूट्रल ना होता तो फिर वो सारे के सारे यूनिट्स उस प्रोडक्ट के बाय कर लेता जिसको वो पसंद कर रहा था, जिसको डिसलाइक कर रहा था उसका कोई यूनिट परचेज ना करता।
चूंकि न्यूट्रल है इसलिए उसने डिसलाइक करने वाले प्रोडक्ट को भी कम से कम उस पर भी कुछ अपने एक्सपेंडिचर्स किए और उसके भी कुछ यूनिट्स बाय किए। तो ये इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन अलोंग विद इट्स कैजुअल। अब मैं इसका ग्राफ आपको दिखाता हूं दूसरे पेज के ऊपर। पहले यहां तक जो आपके क्वेश्चंस है वो सुन लूं और फिर उसके बाद उनके आंसर करते हुए आगे चलता हूं। जी किसी बच्चे ने हैंड रेस किया था तो जरा क्विकली आ जाए मैं ताकि आपके क्वेश्चन को आंसर करूं और फिर मैं ग्राफ की तरफ चलूं। जी उसामा सर, ये जो हमें इनकम बताई हुई है ये पहले बताई जाएगी हमें कि ये सेम है या डिफरेंट है? थ्योरी में अंडरस्टूड है ना, अजम्पशन में ली कि इनकम फिक्स्ड है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी मुबशर प्लीज। जी सर, मैंने ये पूछा था कि जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने यूनिट्स, जैसे फर्स्ट का 4 है तो सर उसके साथ 1 बाय रिलेटिव है या मेशे के इस तरह 1 बाय आता है? दोबारा बताओ सर, स्लाइड्स नीचे कीजिएगा जरा। स्लाइड क्या करूं? नीचे कीजिएगा टेबल में। अच्छा जी सर, सर हम यूनिट्स हम सैक्रिफाइस करते हैं। एक मिनट देते हैं बस। हां जी यहाँ पे जी सर फोर्थ टेबल है जो स्लोप ऑफ आईसी, यहाँ पे सर हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने यूनिट्स। ठीक है, जब हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं लेकिन सर उसके मुकाबले में सर वो 1x हमेशा ऐसे लिखते हैं। कॉलम नंबर 5 की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। कॉलम नंबर, हां जी रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। हां कॉलम नंबर 5 बेसिकली ये बता रहा है कि हम जैसे जैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं तो हर कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं कि हर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में एक्स का एक यूनिट ऐड कर रहे हैं जबकि वाई के यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं। वाई के यूनिट्स एक्चुअली इसलिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं क्योंकि इनकम फिक्स्ड है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक्स का एक यूनिट से एक्स के दूसरे यूनिट पर जाना चाहता हूँ, यानी मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं इनकम 10,000 में 16 वाई और एक यूनिट एक्स का परचेज कर लो। अच्छा, अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 2x और 12y परचेज कर लो। अच्छा, अगर मैं x एक से दूसरे x के यूनिट पर जाना चाहता हूँ और मैं चाहूँ कि मैं y के 16 ही यूनिट रखूँ तो क्या x का एक यूनिट बाय करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं रिक्वायर्ड? देखें वो 10,000 रुपए में सिर्फ एक x और 16y आ सकते हैं। अगर मैं x का एक यूनिट ऐड करना चाहूं, 2x करना चाहूं, तो फिर मैं क्या करूं? मुझे एक्स्ट्रा इनकम रिक्वायर्ड है ना, तो एक्स्ट्रा इनकम तो मेरे पास है नहीं, अजम्पशन ही मेरी ये है कि फिक्स्ड इनकम है, तो फिर मैं क्या करूं? फिर मुझे y के यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, यानी y से एक्सपेंडिचर कम करूंगा, जो पैसे बचेंगे उससे मैं x परचेज करूंगा। तो अब आप देखें मैंने कितने यूनिट्स y के सैक्रिफाइस किए इनिशियली, 4। 4y कम करके जो पैसे बचे उन 4y के पैसों से मैंने एक एक्स परचेज किया। फिर अगले नेक्स्ट पॉइंट पर देखें, फिर 3y सेव करके यानी 3y कम किए जो पैसे बचे उनसे एक एक्स परचेज किया। फिर 2y कम करके जो पैसे बचे उनसे एक एक्स परचेज किया। फिर 1y के यूनिट्स को करके जो पैसे बचे उनसे एक एक्स परचेज किया। सर परचेज हम सिर्फ एक ही एक्स कर सकते हैं। सुन लेना बात, लेट मी फिनिश फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं कि x का हर अगला यूनिट परचेज करने के लिए y के पैसे जो हैं, यानी y पर किए जाने वाले एक्सपेंडिचर पहले ज्यादा थे, यानी पहले ज्यादा कम किए, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम कम से कम एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं। कम किससे? y से, यानी y के यूनिट्स पहले ज्यादा सैक्रिफाइस किए, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो आप देख सकते हैं कि ईच टाइम x का एक यूनिट ऐड करने से y की कॉस्ट जो है पहले की निस्बत कम हो रही है। अच्छा, जो गेन किया जा रहा है उसका यूनिट सेम इसलिए रखा है ताकि कॉस्ट को कंपेयर करना आसान हो जाए। ठीक है, आसानी के लिए रखा है ये प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, का मतलब ये है कि ईच टाइम हम एक ही यूनिट एक्स का गेन कर रहे हैं, लेकिन इसके मुकाबले में जो कॉस्ट बियर कर रहे हैं पहले वो -4 थी, फिर वो -3 हुई, फिर वो -2 हुई, फिर वो -1 हुई। अगर मैं फर्ज करें एक एक्स की जगह +2x +3x +4x करता जाता, फिर मेरे लिए कॉस्ट को कैलकुलेट करना जरा मुश्किल हो जाना था, थोड़ा सा मुझे मेरा काम बढ़ जाना था। तो सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए मैंने ये बताया कि जिस चीज को मैं गेन कर रहा हूँ उसके यूनिट सेम है, जिसको सैक्रिफाइस कर रहा हूँ उसके यूनिट्स डिफरेंट है।
तो एक यूनिट यानी गेन मैं सेम रेट पे कर रहा हूं, लेकिन सेक्रीफाइस ईच टाइम मैं डिफरेंट रेट पे कर रहा हूं। बात समझ आती है? अगर मैं ये एक्स के यूनिट्स भी चेंज करूंगा तो फिर मेरा केस समझना मुश्किल हो जाएगा। फर्ज करें मैं पहले कहता हूं जी एक एक्स के लिए 4 वाई सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, आगे मैं लिख देता हूँ जी 2x के लिए 3y सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है 1x के लिए 1.5y सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। बात समझ रहे हो? बात समझ नहीं, थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो गई ना, तो इसलिए मैंने जी गेन में +1 ही लिखी रखा ताकि समझना आसान हो जाए। सिंपलिसिटी के लिए +1 +1 +1 गेन वाली साइड पे। और कोई क्यूरी है तो प्लीज बताएं। बहुत ओके, किसी और पार्टिसिपेंट ने कोई क्यूरी पूछनी है तो ठीक है, नहीं तो मैं ग्राफ की तरफ चलो। ओके जी, थैंक यू। मैं अब आ रहा हूं जी ग्राफ की तरफ, मैं डॉक्यूमेंट दूसरा ओपन करूं, मैं अभी स्क्रीन उसकी शेयर करता हूं। अच्छा जी, अब आपके सामने स्क्रीन पर आपको एक पेज नजर आ रहा है मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व के नाम से। इसमें जरा स्केजुअल हल्का सा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें जो यूनिट्स मैं आपसे कह रहा था, यहाँ कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई में नहीं है, यहाँ कॉम्बिनेशन है जी एल एम एन पी क्यू आर। ये स्क्रीन पर आप ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है जी, ये ग्राफ आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें इस ग्राफ के जरिए मैं आपको आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं जी। कॉम्बिनेशन एल है, वर्टिकल एक्सिस पर गुड वाई के यूनिट्स प्लॉट हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर गुड एक्स के यूनिट्स प्लॉट हैं। तो आप देख सकते हैं कि वर्टिकल एक्सिस पर यानी कॉम्बिनेशन एल जो है, इसको अगर आप देखें तो एल कॉम्बिनेशन पर आपको नजर आएंगे वर्टिकल एक्सिस पर वाई के यूनिट्स जो कि 18 है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपको यूनिट्स नजर आएंगे एक्स के जो कि 1 है। तो 18y और 1x का एक कॉम्बिनेशन L बन गया। इसी तरह कॉम्बिनेशन M को देखेंगे तो यहां पर आपको Y के यूनिट्स 12 और 14 के दरमियान 13 यूनिट्स नजर आ रहे हैं, जबकि X के यूनिट्स आपको 2 नजर आ रहे हैं। इसी तरह कॉम्बिनेशन N है, यहां पर 10 और 8 के दरमियान वर्टिकल एक्सिस पर लाइन लगी हुई है जी, ये है 9.9 यूनिट्स, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपको एक्स के यूनिट्स 3 नजर आ रहे हैं। एन पॉइंट पे, एन पर जरा गौर से देखें। इसी तरह पॉइंट पी पर आप देख सकते हैं एक्स के 4 यूनिट्स हैं जबकि वाई के 6 यूनिट्स, और पॉइंट क्यू पर आप देख सकते हैं एक्स के 5 यूनिट जबकि वाई के 4 यूनिट्स, और पॉइंट आर पर आप देख सकते हैं एक्स के 6 यूनिट्स और वाई के 3 यूनिट्स हैं। तो यूं आपके पास एल एम एन पी क्यू आर ये 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन गए। इन 6 के 6 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करें तो एक कर्व बन गया। यहां पर इस कर्व का नाम आई रखा हुआ है, आई फॉर इंडिफरेंस कर्व यहां पे रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। सो ये कर्व जो है ये डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करके पता चला। मैं ये इसको ऐसे भी कह सकता हूं बाय कनेक्टिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड यूनिट्स ऑफ गुड वाई consumer obtain a curve which is entitled as indifference curve, ठीक है। बाकी इसकी schedule में ये values आप देख सकते हैं, 1 और 18, 2 और 13, 3 9, 4 6, 5 4 और 6 3, ठीक है जी। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है, इस graph से, ये जो graph screen पे आपको दिखाया जा रहा है, इस ग्राफ में कहीं मुझे ना तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नजर आ रही है, ना मुझे यूटिलिटी फंक्शन नजर आ रहा है। सो असल कॉन्सेप्ट जो इंडिफरेंस कर्व का है, यहां हमें जो पिक्चर में नजर आ रहा है ये है 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशंस नजर आ रही हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओरिजिनलिटी में ये कॉन्सेप्ट है जी 3 डायमेंशनल, इसके 3 एक्सिस है। तो तीसरे एक्सिस पर क्या चीज होती है जी, ये ओरिजिन ओ नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ठीक है। तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से एक यहां से स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ निकलेगी जो कि जेड एक्सिस बनेगी, और जेड एक्सिस पर देखे ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स है, वर्टिकल एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ गुड वाई है, जबकि जेड एक्सिस पे क्या होगा जी, यूटिलिटी फंक्शन।
तो हम पॉइंट एल को, ये जो पॉइंट एल है, एम है, एन है, पी है, क्यू है, आर है, ये सारे पॉइंट्स जेड एक्सिस पर एक पॉइंट लेंगे यू ए, यूटिलिटी फंक्शन यू ए, क्योंकि इनकम आई ए है ना, तो आई ए इनकम पर यूटिलिटी फंक्शन क्या मिल रहा है जी, यू ए। तो पॉइंट एल हो, एम हो, एन हो, पी हो, क्यू हो, आर हो, ये सारे पॉइंट्स उस पॉइंट यू ए पे जाके मिल जाएंगे। क्या मैंने बात की, ओरिजिन से एक जेड एक्सिस की लाइन ड्रॉ करें और जेड एक्सिस का टाइटल क्या रखेंगे जी, यू फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन, और इस लाइन के ऊपर आप एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट जैसे एल है ना, इसी तरह जेड एक्सिस पर यूटिलिटी फंक्शन वाले कर्व पर आप एक पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट का नाम होगा यू ए। वो यू ए क्या होगा जी, उस यू ए को, उस पॉइंट को पॉइंट एल के साथ, पॉइंट एम के साथ, पॉइंट एन, पी, क्यू और आर, सारे पॉइंट्स को उस पॉइंट यू ए के साथ मिला दें। तो आपने सुनियार से कभी वो पंजांगला फाइव रिंग्स वाला, आपने वो एक फाइव रिंग्स वाली एक वो बैंगल होती है वो आपने देखा, कड़ा होता है, तो वो अक्सर फीमेल्स को पता होगा, उनके बड़े या बच्चों को भी पता होगा, उनकी वालदाओं या बहनों के पास होगा। सो ये उस तरह की शेप इसकी एक बन जाएगी, जो कि मैं आपको एक ग्राफ की सूरत में दिखाता हूं, मैंने वो ग्राफ अपने पास सेव रखा हुआ, वो पिक्चर वन की सूरत में आपको स्क्रीन पर अभी नजर आ जाएगा। अच्छा जी, ये स्क्रीन मैंने शेयर करने लगा हूं जी, आप जरा देख लें, आपको अभी नजर आ जाती है। देखें जी, ये स्क्रीन पे शेयर हो रही है जी ग्राफ। सो इस ग्राफ में आप देखें, आपको नजर आ रहा होगा अलोंग दी एक्स एक्सिस आपको यूनिट्स ऑफ गुड एक्स नजर आ रहे हैं, अलोंग दी वाई एक्सिस यूनिट्स ऑफ गुड वाई नजर आ रहे हैं, ओके। फिर आपको इस ग्राफ के ऊपर, यानी पहले यूनिट्स ऑफ एक्स और यूनिट्स ऑफ वाई को हमने आपस में कनेक्ट किया, तो हमारे पास पॉइंट्स बने थे एल, एम, एन, पी, क्यू, आर। इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने से कर्व बना, जैसे हमने कर्व को कह दिया आई सी ए, यानी इनडिफरेंस कर्व ए। और फिर देखे, मैंने ओरिजिन से एक जेड एक्सिस की तरफ लाइन ड्रॉ की, जो कि जिसको टाइटल रख दिया यूटिलिटी फंक्शन, और यूटिलिटी फंक्शन क्या जी, यू इक्वल्स एफ ऑफ एक्स ए, असल में ये यू ए एफ विद इन ब्रैकेट है एक्स ए कॉमा वाई ए। अच्छा, अब ये यूटिलिटी फंक्शन जो यू ए है, आप देखें पॉइंट एल को, यानी इस जेड एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया यू ए, तो इन पॉइंट्स को आप देख सकते हैं, पॉइंट एल को यू ए से मिला दिया, एम को यू ए से मिला दिया, एन को मिला दिया, पी को मिला दिया, क्यू को और आर को, इन सारे पॉइंट्स को पॉइंट यू ए के साथ जब कनेक्ट किया तो पता चला हर पॉइंट के ऊपर यूटिलिटी फंक्शन क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है, अब अगर आप वो मैं आपको वो दिखाता हूं वर्ड की फाइल जिसमें मैं बात कर रहा था। अच्छा जी, एक मिनट, बस मुझे एक मिनट दे दें। ये देखें जी, जिस पे मैं बात कर रहा था कि इनकम आई ए है, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी, इनकम आई ए है, यूटिलिटी फंक्शन यू ए है, तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा जी, के ए, ठीक है। जब तक इनकम सेम रहेगी, यूटिलिटी फंक्शन सेम रहेगा और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहेगी, सेम। तो अब आप जरा इस ग्राफ को दोबारा मुलाहिजा फरमाएं, ये ग्राफ अब आप दोबारा जरा देखें कि राइट साइड पर एक्स के यूनिट्स ऐड हो रहे हैं प्लस वन, और टॉप टू बॉटम की तरफ वाई एक्सिस में देखेंगे पहले 5 यूनिट सेक्रीफाइस हुए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी 18 से 13, 13 से 9, 9 से 6, 6 से 4 और 4 से 3, 18 13 के दरमियान 5 वाई का फर्क है, 13 9 के दरमियान 4 वाई का, 9 6 के दरमियान 3 वाई का, 6 4 के दरमियान 2 वाई का, और 4 3 के दरमियान 1 वाई का। तो पहले 5 वाई, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यूं वाई के यूनिट सेक्रीफाइस हो रहे हैं, एक्स के यूनिट्स प्लस वन करके एड हो रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को आपस में हमें मिले एल एम एन ओ पी एल एम एन पी क्यू आर,
इन सारे पॉइंट्स को यू ए पॉइंट के साथ कनेक्ट किया तो पता चला कि इनकम आई ए थी, यूटिलिटी फंक्शन यू ए है, तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के ए रहेगा, यानी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। तो अगर अब मैं आपसे कहूं कि जी इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन कोई आपसे पूछे तो बताए क्या कहेंगे आप? ये स्क्रीन पर आपके पास मैंने वर्ड की फाइल शेयर की है, आपको नजर आ रही होगी कि आप देख सकते हैं ये डेफिनेशन। इट इज अ कर्व व्हिच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर वांट्स टू बाय विद हिज फिक्स्ड इनकम एट व्हिच ही एंजॉयज सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बात समझ आ गई, यहां तक ये डेफिनेशन कंप्लीट है। आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है जो कि आपको समझाने के लिए लिखी गई। तो कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंजॉय करता है एक इंडिफरेंस कर्व पर, ठीक है। और एक इंडिफरेंस कर्व क्या है जी, ये क्या शो करता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये जो मैंने आपको इस ग्राफ के अंदर दिखाया ना, ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ आपको दिखाया, इसमें पॉइंट एल एम एन पी क्यू आर, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई के, जो कि कंज्यूमर परचेज करना चाहता है अपनी फिक्स्ड इनकम के साथ, जबकि यू ए पर देखें यूटिलिटी फंक्शन सेम होने की वजह से लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम। क्लियर होगी बात? तो ये है असल कहानी इंडिफरेंस कर्व के पीछे। सो अभी तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है यहां तक तो प्लीज जल्दी से पूछ लें, अदरवाइज मैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहा हूँ। जी कोई क्यूरी है तो प्लीज बताएं। कोई क्यूरी नहीं है सर? जी आजाद प्लीज बताएं। सर बस एक बात कंफर्म करनी थी कि हमारे पास जो प्राइस है वो सेम है, इसलिए यूटिलिटी भी सेम है, इसी वजह से इसका एक पॉइंट आया। यूटिलिटी का प्राइस के साथ कोई लेना देना नहीं है, यूटिलिटी का इनकम के साथ लेना, चूंकि इनकम सेम है इसीलिए वो इनकम की बात कर रहा हूँ। हाँ, चूंकि इनकम की बात है इसीलिए यूटिलिटी फंक्शन सेम है, इसीलिए हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। ठीक हो गया। हाँ, अभी अभी आप आपकी आसानी के लिए एक चीज, एक ग्राफ आपसे और शेयर करता हूं कि अगर फर्ज करें इनकम चेंज हो जाए, इनकम आई ए से चेंज होके आई बी पर चली जाए तो फिर क्या होगा, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये आप ये देख सकते हैं अजम्पशन में, यहां मैंने मेंशन किया अभी थोड़ी देर पहले, यार कहां मेंशन किया वो, हाँ ये आप देखें अजम्पशन नंबर 6 में कि इनकम आई ए थी, फर्ज कर ले 20,000 इनकम थी, यूटिलिटी फंक्शन यू ए है और सेटिस्फेक्शन लेवल फर्ज कर ले यहाँ पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कितना जी, के ए। ठीक होगी बात? तो अब आप देख सकते हैं कि अगर इनकम आपकी आई ए से चेंज होके आई बी यानी 40,000 पे चली जाए तो यूटिलिटी फंक्शन क्या हो जाएगा जी, यू बी, और सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा जी, के बी। ठीक होगी बात? तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, के बी। अगर इनकम चेंज होगी तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज हो जाएगा। इनकम चेंज होने से सबसे पहले यूटिलिटी फंक्शन चेंज होगा, यूटिलिटी फंक्शन के चेंज होने से लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ये जो बात है, ये जो बात अभी मैंने की, और अच्छा एक और चीज, आई बी इनकम जो है ये बेहतर है आई ए इनकम से, यूटिलिटी फंक्शन बी जो है ये सुपीरियर है यूटिलिटी फंक्शन ए से, इसी तरह के बी जो है आपके पास लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये के ए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से सुपीरियर है। इस बात को, ये जो बात यहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो बात जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, हाईलाइट किया है, इसको मैं आपको एक ग्राफ के साथ जाहिर करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये अगर आप देखें ग्राफ एक और, अच्छा ये स्क्रीन पर आपके साथ मैंने ग्राफ शेयर किया है, ये विजिबल है ग्राफ आजाद? जी आजाद किधर गए हो? जी सर विजिबल है। ओके, अब ये ग्राफ में आप देखें कि इनकम आई ए थी तो इंडिफरेंस कर्व आपको आई सी ए नजर आ रहा होगा, और आई सी ए के हर पॉइंट मैंने देखें यू ए के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जब इनकम आई
बढ़ के ये देखें पॉइंट नंबर वन नीचे लिखा हुआ है ग्राफ के एन बी की सूरत में एज इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम आई ए टू आई बी, ठीक है, तो न्यू इनकम है आई बी विच इज ग्रेटर देन आई ए, तो इनकम जैसे ही बढ़ गई आपको बिल्कुल आई सी ए के पैरेलल एक अपवर्ड जाने एक नया कर्व नजर आ रहा जो कि आई सी बी है। आई सी ए जो कर्व है वो 10,000 वाली इनकम वाला कर्व है या 20,000 वाली इनकम वाला कर्व है, जबकि आई सी बी 40,000 वाली इनकम वाला कर्व है जो कि 20,000 वाली इनकम के कर्व से ऊपर वाली जाने पे है। तो इस पर भी नए पॉइंट होंगे एल बी एम बी एन बी एंड सो ऑन, ठीक है। तो एल बी एम बी और एन बी ये जो पॉइंट्स हैं इनको यूटिलिटी फंक्शन यू बी के साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए आई बी इनकम पर यूटिलिटी फंक्शन यू बी बनेगा, यू बी फंक्शन जो है डेफिनेटली वो यू ए फंक्शन से ज्यादा बेहतर होगा। तो जेड एक्सिस पर यू बी पॉइंट कहां पर आएगा, डेफिनेटली जहां यू पॉइंट यू ए पॉइंट है उससे आगे जाके कहीं यू बी पॉइंट बनेगा, यानी टूवर्ड्स यूटिलिटी एक्सिस, ठीक है। और टूवर्ड्स ओरिजिन जो है इसका मतलब है यूटिलिटी कम हो रही है, टूवर्ड्स यूटिलिटी फंक्शन इसका मतलब है यूटिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो पॉइंट यू बी के साथ एल बी एम बी एन बी पी बी क्यू बी और आर बी, पी बी क्यू बी आर बी मैंने पॉइंट्स आई सी बी पे शो नहीं किए ताकि ये मिक्सर ना हो जाए, सिर्फ पहले तीन पॉइंट शो किए और वो आप देख सकते हैं। पॉइंट एल बी को कनेक्ट किया है यू बी के साथ, एम बी को कनेक्ट किया है यू बी के साथ और एन बी को भी कनेक्ट किया हुआ है यू बी के साथ। तो इसका मतलब है जब इनकम आई बी होगी तो यूटिलिटी फंक्शन यू बी होगा, तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के बी होगी, जो कि इनकम आई ए से आई बी इनकम सुपीरियर है, यूटिलिटी फंक्शन यू बी यू ए से सुपीरियर है और सेटिस्फेक्शन के बी जो है वो सेटिस्फेक्शन लेवल के ए से सुपीरियर है। इस ग्राफ से दरहकीकत आपको बताने की कोशिश की गई है कि जब इनकम बढ़ेगी यानी इनकम चेंज होगी तो यूटिलिटी फंक्शन चेंज होगा, लिहाजा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर इनकम बढ़ेगी तो यूटिलिटी फंक्शन सुपीरियर हो जाएगा, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी। अगर इनकम रिड्यूस हो जाए कम हो जाए तो यूटिलिटी फंक्शन इंफीरियर हो जाएगा या आउटडेटेड हो जाएगा, लिहाजा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉल कर जाएगी। ये असल इसका कंक्लूजन है। तो अब आप ये ग्राफ में तीन पॉइंट्स देख सकते हैं। पॉइंट वन में आप देखेंगे आई बी इज सुपीरियर टू आई ए, पॉइंट नंबर टू आप देख सकते हैं आई सी बी इज ग्रेटर देन आई सी ए, और पॉइंट नंबर थ्री में आप देख सकते हैं कि यूटिलिटी फंक्शन यू बी जो है वो सुपीरियर है यूटिलिटी फंक्शन यू ए से। यहां तक कोई पॉइंट है तो मुझे बताए ताकि मैं क्लियर कर दू। क्लियर हो गया, चले जी। यस सर, बाकी पार्टिसिपेंट्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जरा क्विकली पूछ लें, अदरवाइज आई एम गोना मूव फॉरवर्ड। कोई क्वेश्चन नहीं है जी, चले जी। नेक्स्ट मैं आगे चल रहा हूँ जी। आगे हैं जी कुछ assumptions इसकी, यहाँ properties of indifference curve। अब मैं properties of indifference curve जरा आपसे share करूँ। अच्छा जी, properties of indifference curve यहाँ से start करते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी से पहले मैं जरा एमआरएस, खैर मैं बता तो चुका हूँ एमआरएस बेसिकली क्या है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और इसका फॉर्मूला ये है एमआरएस ऑफ एक्स फॉर वाई है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और इसका फॉर्मूला क्या है जी, माइनस एम यू एक्स ओवर एम यू वाई। अच्छा ये फॉर्मूला प्रॉपर डेरिवेशन के जरिए सॉल्व हुआ हुआ है, लेकिन चूंकि हम बेसिक या बिगिनर्स वाला कोर्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने वो डेरिवेशंस नहीं करनी, सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि ये फॉर्मूला हमें आगे रिक्वायर्ड है। ये डेफिनेशन स्टार्ट में मैंने आपके लिए राइट अप की। इसकी दूसरी डेफिनेशन है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई शोज दैट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वन गुड से वाई
हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वन गुड से वाई अ कंज्यूमर वॉन्ट्स टू सैक्रीफाइस टू अपटेन एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ सेकेंड गुड टू अपटेन एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ सेकेंड गुड से गुड एक्स राइट सो what marginal rate of substitution shows it shows that how many units of one good a consumer wants to sacrifice to obtain an extra unit of second good right or it shows the changing rate at which consumer is ready to leave units of good y to get an extra unit or additional unit of good x theek ho ki baat as mrs of x for y is continuously decreasing therefore the indifference curve will be convex in shape ye badi important baat hai why should we call an indifference curve to be a convex shaped curve this is the question ke indifference curve ko hum kyun convex shape ka curve kahe because iske piche jo reason hai wo aap is graph mein dekh sakte hain ke hum har x ka agla unit gain karne ke liye y ke units पहले के मुकाबले में कम से कम रेट पर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर आप समझने की कोशिश करें तो वो क्या है कि एक चीज को गेन कर रहे हैं तो दूसरे की को सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो किसी चीज को गेन करने के लिए जो कुछ सैक्रिफाइस किया जाता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उस चीज को गेन करने की चूंकि एक यूनिट एक्स का गेन करने के लिए इनिशियली फोर यूनिट सैक्रिफाइस किए तो पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी फोर ठीक है टू गेट वन यूनिट ऑफ एक्स बाद में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई वन यूनिट ऑफ एक्स गेन करने के लिए थ्री यूनिट्स ऑफ वाई फिर वन यूनिट ऑफ एक्स गेन करने के लिए टू यूनिट ऑफ वाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई फिर वन यूनिट ऑफ एक्स गेन करने के लिए वन यूनिट ऑफ वाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनी सो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने देखा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुसलसल कम हो रही है अपने एक यूनिट एक्स को गेन करने के लिए तो पता ये चला कि किसी चीज को ऑब्टेन करने के लिए जो कुछ सेक्रीफाइस करें तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट मुसलसल कम हो जाए तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कहा जाता है डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर ये रेट रहता 4y फॉर 1x 4y फॉर 1x 4y फॉर 1x 4y फॉर 1x यानी मुसलसल सेम रहता तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कहा जाता है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अगर ये रेट मुसलसल बढ़ता जाता यानी 4y फॉर 1x 5y फॉर 1x 6y फॉर 1x 7y फॉर 1x तो अगर ये रेट मुसलसल बढ़ता तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कहा जाता है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो तीन टाइप्स मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की आपके साथ डिस्कस की एक का नाम है जी डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक का नाम है जी कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक का नाम है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकी डेफिनेशंस मैं आपको अभी आपसे शेयर करता हूँ जी जरा एक मिनट मुझे दे ये स्क्रीन पर आपके सामने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टाइटल विजिबल होगा इसमें देखें सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई है हमारी अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये क्या है जी टू गेट समथिंग वी फॉरगो इट्स बेस्ट अल्टरनेट यानी किसी चीज को हासिल करने के लिए इसका बेस्ट अल्टरनेट सैक्रिफाइस कर दिया जाता है दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गेटिंग समथिंग For instance, if we get an extra unit of good x and we forgo units of good y, this shows that good y is an opportunity cost for getting one unit of good x. Clear? क्या है जी अगर हम x को gain करना चाहते हैं और y को sacrifice करना चाहते हैं तो y को जब हम sacrifice करेंगे तो ये y opportunity cost बनेगी हर अगला unit, हर extra unit x का गेन करने के लिए तो स्केड्यूल में आप देख सकते हैं इनकम फिक्स्ड है एक्स के यूनिट्स हैं जी 1 2 3 4 5 6 और वाई के यूनिट्स हैं जी पहले 18 फिर 13 फिर 9 फिर 6 फिर 4 फिर 3 डेल्टा वाई क्या है जी
पहले -5 फिर -4 फिर -3 फिर -2 फिर -1, एक्स क्या है जी हर दफा +1 ऐड हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं एम आर एस ऑफ एक्स फॉर वाई क्या है जी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स क्या आ रहा है जी, -5 डिवाइडेड बाय +1 आंसर इज -5। सिमिलरली -4 -3 -2 -1 आप देख सकते हैं कि x का एक यूनिट गेन करने के लिए y के यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं और हर दफा y के यूनिट्स का जो रेट है पहले के मुकाबले में कम होता चला जा रहा है। लेकिन इस जनरल डेफिनेशन के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं किया गया कि हम किस टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये स्केड्यूल शेयर किया गया। अब स्टेप बाय स्टेप हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। पहले है जी इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसमें क्या है जी टू गेट एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड एक्स इफ वी कीप ऑन लीविंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई, यानी क्या कह रहे हैं जी टू गेट एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड एक्स इफ वी कीप ऑन लीविंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई, दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक्स का हर अगला यूनिट गेन करने के लिए वाई के ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स का सेक्रीफाइस कर देना। तो दर हकीकत अगर आप इसको स्केड्यूल की फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो आप देखें पहले 1x फॉर 18y, 1x एंड 18y, फिर 1x गेन करने के लिए वी हैव लेफ्ट 1 यूनिट ऑफ y, ठीक हो गई 18 से 17 पे आ गए, फिर हम 17 से 15 पे चले गए वी हैव लेफ्ट 2 यूनिट्स ऑफ y टू गेट एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ x, फिर हम 15 से 12 पे चले गए यानी 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर दिए, फिर आप देख सकते हैं 4 और फिर इसी तरह 5 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं y में चेंजेस जो आ रही है -1 -2 -3 -4 एंड -5 है। तो x का हर अगला यूनिट ऑब्टेन करने के लिए पिछले के मुकाबले में नेक्स्ट पॉइंट पर पहले से ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेट हमारा पहले से ज्यादा होता चला जा रहा है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 की, ठीक होगी बात। तो ये है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जांपल। अच्छा अब इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जब हम ग्राफ की सूरत में ड्रॉ करेंगे तो ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इन केस ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द रिजल्टेंट कर्व इज ऑलवेज इन कनकेव शेप। अगर आपके पास आप अपने नोटपैड के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और एक डायगोनल लाइन के साथ सर्कल को डाइसेक्ट कर देंगे यानी काट देंगे दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, तो सर्कल का जो अपर पार्ट है जो सर्कल का ऊपर वाला हिस्सा है वो बेसिकली वो ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं कॉनकेव शेप और सर्कल के नीचे वाले हिस्से को कहते हैं कॉन्वेक्स शेप, ठीक है। अच्छा मैंने कहा कि जब आप इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करते हैं तो आपका बनने वाला ग्राफ जो है वो किस शेप में होता है, कॉनकेव शेप में। कॉनकेव शेप कौन सा होता है, सर्कल का अपर पार्ट। अगर आप एक दायरा ड्रॉ करें तो दायरे का ऊपर वाला हिस्सा जो है उसे कॉनकेव शेप कहते हैं। वो किस सूरत में रिजल्ट में आता है, जब आपकी इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा हो। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि एक चीज की अपॉर्चुनिटी गेन करने के लिए दूसरी चीज जो आप सेक्रीफाइस करते हैं उसका रेट मुसलसल पिछले के मुकाबले में बढ़ता चला जाए। अच्छा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ग्राफ इसी तरह ड्रॉ कर लिया जाएगा, नेट से आप कोई कनकेव शेप का इमेज जो है वो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, टू गेट एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड एक्स इफ वी कीप ऑन लीविंग लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ गुड वाई, ठीक है जी। इसका क्या मतलब है, इसको कहते क्या, दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा अब आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि एक यूनिट एक्स का गेन कर रहे हैं 18 यूनिट्स साथ परचेज कर सकते हैं, फिर एक यूनिट से दूसरे यूनिट पर गए तो वाई के हमने कितना यूनिट सेक्रीफाइस किए, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये आप रेट देख रहे हैं मुसलसल कम हो रहा है। तो आप ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं, ये वैल्यू चूंकि मुसलसल कम हो रही है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट कर्व हमारा किस शेप में होगा, ये इन केस ऑफ डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द रिजल्टेंट कर्व इज ऑलवेज इन कॉन्वेक्स शेप। ये कब होगा, व्हेन वी आर फेसिंग डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
तो यानी इसका पता ये चला कि जब आप x का एक यूनिट गेन करेंगे तो y के यूनिट्स जब सैक्रिफाइस करें और वो सैक्रिफाइस रेट मुसलसल कम होगा, यानी डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो रिजल्टेंट कर्व हमेशा कॉन्वेक्स शेप में बनेगा। और अगर ये y को सैक्रिफाइस करने का रेट मुसलसल बढ़ता चला जाए तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम इनकर करेंगे, और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के केस में हमारा रिजल्टेंट कर्व जो है अगर उसको ग्राफिकली ड्रॉ किया जाए तो वो सर्कल का अपर पार्ट यानी कॉनकेव शेप आएगी हमारे पास। जबकि एक्स के यूनिट्स जब हम गेन करने के लिए वाई के यूनिट्स कम से कम सेक्रीफाइस करेंगे तो रिजल्टेंट कर्व सर्कल का लोअर पार्ट होगा जिसे हम कॉन्वेक्स शेप कहेंगे। तो यही वजह है कि इंडिफरेंस कर्व में हम जब एक्स का एक यूनिट गेन करते हैं तो वाई के यूनिट्स कम से कम सेक्रीफाइस करते हैं, चूंकि डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमारा इंडिफरेंस कर्व के केस में अप्लाई हो रहा होता है। यही वजह है कि अगर हम अपने इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करें तो वो सर्कल के लोअर पार्ट वाली शेप हमारे पास आती है जिसे हम कॉन्वेक्स शेप कहते हैं। अच्छा, एक तीसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसा कि टाइटल से ही जाहिर है कि हमने जो कॉस्ट बियर करनी है वो रहेगी कॉन्स्टेंट, यानी हर एक्स का अगला यूनिट गेन करने के लिए y के यूनिट्स अगर हम सेम रेट पर सैक्रिफाइस करें, देखें 18 से 16, फिर 16 से 14, फिर 12, फिर 10, फिर 8, तो y क्या, उस y में जो चेंज आ रही है वो सेम है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी क्या आ गई, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुसलसल क्या हो गई जी, फिक्स्ड, तो सेम आ रही है। अच्छा, जब हम कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर करेंगे तो इसमें रिजल्टेंट शेप किस शेप में होगा जी, इन केस ऑफ अपॉर्चुनिटी कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द रिजल्टेंट कर्व इज ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, तो बनने वाला कर्व जो है इन केस ऑफ कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन शेप, राइट। तो अब ये तीन डिफरेंट टाइप्स और इनसे बनने वाले डिफरेंट कर्व्स, यानी अपॉर्चुनिटी की तीन टाइप्स हैं, कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्स्टेंट हो, अगर आप इस कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा आपके पास कर्व आएगा, यानी शेप आएगी। अगर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप फेस कर रहे हो, यानी रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपका रेट मुसलसल बढ़ रहा हो, यानी वाई सेक्रीफाइस करके एक्स गेन कर रहे हो और हर दफा ये रेट बढ़ता जाए, तो ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और इस केस में बनने वाला कर्व जो है वो हमेशा कॉनकेव शेप होगा, यानी सर्कल का अपर वाला पार्ट। और अगर एक्स का एक यूनिट गेन करने के लिए वाई के यूनिट्स पहले के मुकाबले में कम से कम सेक्रीफाइस कर रहे हो तो ये है कॉन्सेप्ट डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के केस में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास सर्कल का लोअर पार्ट आएगा जिसे हम कॉन्वेक्स शेप कहेंगे। सो इंडिफरेंस कर्व, चूंकि आप उसका स्केजुअल देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से रेलेवेंस उसकी नजर आएगी। यही वजह है कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा सर्कल के लोअर पार्ट होते हैं, यानी कॉन्वेक्स शेप के होते हैं। ले जी, मेरा आज का लेक्चर यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी है तो प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन। जी अमार साहब, प्लीज रेज योर क्यूरी। जी सर, मैंने ये पूछना था, अटेंडेंस लग गई, मेरा इंटरनेट का इशू था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया है मीटिंग। नो प्रॉब्लम सर, अटेंडेंस हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। Any other student, if you have any query, please raise your hand. Otherwise, I'm going to end my meeting since my lecture is over. No question? Yes, Burhan. अच्छा बुरहान, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप अटेंडेंस लिया करें ना तो पार्टिसिपेंट्स नंबर भी साथ उनकी भी पिक्चर बनाया करें या वीडियो बनाया करें। जी अब बताए अपना क्वेश्चन। अच्छा,
अभी कोई क्यूरी है आपकी लेक्चर से रिलेटेड तो बताएं प्लीज। हेलो, नहीं है सर, क्यूरी नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके, आई एम गोना लीव माय लेक्चर एंड आई विल बी मीटिंग विद यू पीपल इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन राइट अवे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस लेक्चर, रेज योर हैंड सो दैट आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन। जी साइन प्लीज। जी सर, मैंने पूछना था, ये जो आपने ग्रुप बनवाए हैं तो ये असाइनमेंट के लिए बनवाए थे आपने? जी जी, असाइनमेंट्स के लिए। तो सर वो कब तक मिलेंगी असाइनमेंट्स? मिल जाएंगी सर। ठीक है सर। सर अब ये टोटल मैंने पूछना था, जो हमारे इकोनॉमिक्स है वो इसका टोटल रिजल्ट बनना, वो ये असाइनमेंट्स और क्विज वगैरह से बनेगा? नहीं सर, आपने ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार से एक ईमेल आपको मौसूल हुई होगी, वो रीड की होगी कि 40% जो प्रोपोर्शन है आपके इस कोर्स का वो असाइनमेंट बेस्ड होगा, क्लास एक्टिविटी बेस्ड होगा, प्रेजेंटेशन बेस्ड होगा या केसेस बेस्ड होगा। बाकी रिमेनिंग 60% प्रोपोर्शन से हम एग्जाम कंडक्ट करेंगे, जो कि जैसे ही ये कोरोना का इशू कंप्लीट होता है, करें कि ये जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो फिर जब हम फिजिकल क्लासेस में इंटरेक्ट करेंगे तो उस वक्त आपका फाइनल एग्जाम होगा जो कि 60% वेट पर बेस्ड कर रहा होगा। ठीक है सर, ठीक हो गया, थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। तो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड टाइम।